हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुब्रतो और आज मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लाया हूं बिटवीन बजाज पल्सर 125 और होंडा SP125। ये दोनों ही बाइक अपनी अपनी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट पे। तो आइए आज देखते हैं कि इन दोनों ही बाइक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आपको कौन सी बाइक चूज़ करनी चाहिए इन दोनों में से, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और ये वीडियो बहुत दिन से रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलेगा और आपको चूज़ करने में भी बहुत ईजी होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडियन मार्केट में आप अगर देखेंगे 125 सीसी सेगमेंट में ये दोनों ही बाइक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी के टाइम पे। और ये दोनों ही बाइक्स में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइड्स देखने को मिलता है। लेकिन आप अगर कन्फ्यूज्ड है कि आपके लिए कौन सी बाइक इन दोनों में से सबसे अच्छी होगी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। डिज़ाइन वाइज अगर देखेंगे तो आपको दोनों ही बाइक्स में डिफरेंस सामने ही नज़र आएगा। मतलब ये दोनों ही बाइक्स बिल्कुल ही अलग लुक्स के साथ आती है और ये दोनों ही ब्रांड अलग है तो लुक्स तो अलग होगा ही। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बजाज की जो लुक्स है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन SP125 के लुक्स थोड़ा बहुत दूसरे कम्यूटर बाइक्स की तरह देखने में लगता है। लेकिन अगर दूसरे साइड में देखेंगे तो होंडा SP125 की जो लुक्स दिया गया है ये बिल्कुल ही फ्रेश लुक दिया गया है। मतलब ये बिल्कुल नई डिज़ाइन के साथ आती है। और बजाज पल्सर की लुक्स को अगर देखेंगे तो उसकी जो लुक्स है वो बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मिनिमल से चेंजेस होते हैं सालों साल, तो ऐसा ही चल रहा है। तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो बजाज पल्सर 125 की जो लुक्स दिया गया है ये थोड़ा बहुत अभी आउटडेटेड लगता है। लेकिन दोनों ही बाइक्स की कंपैरिजन में मैं अगर बात करूं तो बजाज पल्सर 125 की लुक्स ओल्ड तो है, सॉलिड है, लेकिन आप अगर दूसरे साइड में होंडा को देखेंगे तो होंडा SP125 उतना ज़्यादा सॉलिड फील आपको नहीं देती है। दूसरे साइड पे आप अगर देखेंगे तो होंडा थोड़ा बहुत मॉडर्न लुक्स के साथ आती है। ओवरऑल इस बाइक में आपको एक काफ़ी अच्छी हेडलाइट मिलता है जो कि फुल LED सेटअप के साथ आती है। अनफॉर्चुनेटली इस बाइक में बल्ब इंडिकेटर्स अभी भी दिया गया है, लेकिन इस बाइक की जो लुक्स है वो काफ़ी फ्रेश है और मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है ये बाइक। इस बाइक में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी खूबसूरत मिलता है, यहाँ पे फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है और बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स भी दिया गया है। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है, यहाँ पे सिंगल यूनिट ट्यूब हैंडल बार मिलता है, प्लास्टिक बार एंड्स दिया गया है। और स्विचेस के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे ग्रेट क्वालिटी स्विचेस मिलता है। दूसरे साइड में आप अगर देखेंगे तो पल्सर 125 में आपको हैलोजन हेडलाइट मिलता है जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा है। और इसकी इंडिकेटर्स भी बल्ब इंडिकेटर्स है अभी तक। यहाँ पे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल अभी भी मिलता है जो पहले भी मिलता था, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है और फीचर्स भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है होंडा SP125 से। यहाँ पे बहुत ही कम फीचर्स मिलता है। लेकिन आप अगर इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लुक्स को देखेंगे तो ये दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा है, बेटर है एज़ कम्पेयर टू SP125। हैंडल बार की अगर बात किया जाए तो पल्सर 125 में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है जो कि 125 सीसी सेगमेंट में इकलौता बाइक है ऐसा जिसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। और इसी हैंडल बार पे आप देख सकते हैं बार एंड भी दिया गया है जो कि है मेटल का बना हुआ, तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि ये मेटल का बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा सेफ है। लेकिन आप अगर दूसरे साइड पे होंडा को देखेंगे तो वहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है। स्विचेस के बारे में अगर बात किया जाए तो पल्सर 125 की स्विचेस काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की दिया गया है और यहाँ पे बैक लाइट भी मिलता है जो कि SP125 में नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस बाइक में क्योंकि रात के टाइम पे भी आपको पता चलेगा कि आप कौन सी स्विच दबा रहे हो। रियर व्यू मिरर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो दोनों ही बाइक्स में काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज, लेकिन जो व्यू है पीछे का वो अच्छी देती है पल्सर 125। दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलता है जो काफ़ी सॉफ्ट है और पीछे में आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, कुछ खास यहाँ पे फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे पल्सर की फ्रंट फोक्स को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मोटी दिया गया है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगता है। इसके बाद अगर टैंक के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक्स में काफ़ी बड़ा साइज़ का टैंक मिलता है। SP125 की जो टैंक साइज़ है वो है 11 लीटर्स की,
लेकिन देखने में यह और भी ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि इसके ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे कवर दिया गया है जो कि है फाइबर का बना हुआ, और ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D होंडा की बैजिंग भी दिया गया है। दूसरी तरफ पल्सर 125 को अगर देखेंगे वहाँ पे 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा है। लुक्स वाइज अगर देखेंगे तो ये बहुत सालों से जो डिज़ाइन के साथ आती थी वही है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, बेसिक डिज़ाइन है। और इसके ऊपर 3D पल्सर लोगो एम्ब्लेम्ड है। होंडा SP125 में आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक पे आपको दोनों ही तरफ ड्रम ब्रेक वेरिएंट मिलता है और एक में सामने की तरफ डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक वेरिएंट मिलता है। जो डुअल ड्रम ब्रेक वेरिएंट है उस पे आपको दोनों ही तरफ मिलता है 130mm की ड्रम साइज, और जो सिंगल डिस्क वेरिएंट है उसमें आपको सामने की तरफ मिलता है 240mm की डिस्क साइज, पीछे में 130mm की ड्रम ब्रेक साइज, और ये दोनों ही वेरिएंट में आपको CVS टेक्नोलॉजी भी मिलता है। दूसरी तरफ पल्सर 125 में भी आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक है स्टैंडर्ड मॉडल जिसमें आपको सामने की तरफ डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे में मिलता है ड्रम ब्रेक, और दूसरा वेरिएंट है स्प्लिट यूनिट सीट जिसपे आपको दो अलग अलग सीट्स देखने को मिलता है, जो कि मिलता है पल्सर 150 डुअल डिस्क वेरिएंट में। वही सेम जैसा ही लुक्स के साथ ये बाइक आती है, लेकिन इस बाइक में सामने की तरफ डिस्क ब्रेक दिया गया है और पीछे में 130mm की ड्रम ब्रेक। पल्सर 125 और SP125 इन दोनों ही बाइक्स में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि इन दोनों ही बाइक्स में चेन कवर मिलता है। इन दोनों ही बाइक्स में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है, तो ये बिल्कुल सेम है। और SP की टायर साइज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो SP में आपको 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है सामने की तरफ, और पीछे में भी वही सेम टायर साइज़ दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ सेम टायर साइज़ दिया गया है। दूसरे साइड में पल्सर में आपको सामने की तरफ मिलता है 80x100 सेक्शन का टायर 17 इंच व्हील बेस के साथ, और 100x90 सेक्शन का टायर 17 इंच व्हील बेस के साथ। तो ये दोनों ही बाइक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टायर साइज़ में। होंडा SP में आपको 18 इंच का व्हील्स मिलता है और वहाँ पे टायर साइज़ भी बहुत ही छोटा है, लेकिन पल्सर में टायर साइज़ काफ़ी बड़ा है पीछे का, तो इससे ब्रेकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है पल्सर 125 में। और पल्सर में ब्रॉड टायर होने के वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है हाई रोड्स पे और भी ज़्यादा अच्छा होता है, और राइड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू SP125। पल्सर 125 की जो कर्व वेट है वो है 140 किलोग्राम्स, और ग्राउंड क्लियरेंस है 165mm की। होंडा SP125 की वेट है 118 किलोग्राम्स, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 160mm की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों ही बाइक्स में। पल्सर थोड़ा ज़्यादा ही भारी है एज़ कम्पेयर टू SP125, और इसीलिए मैं कह रहा था कि पल्सर 125 थोड़ा सा सॉलिड फील आपको देगी, क्योंकि इसमें मेटल का यूज़ ज़्यादा किया गया है। होंडा SP125 में ज़्यादातर पार्ट्स फाइबर का बना हुआ है, तो इसलिए इसकी जो वेट है वो थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हल्का है। लेकिन ये जो वेट रेशियो है ये ज़्यादा अच्छा है होंडा SP125 की। इसके बाद अगर इंजन्स के बारे में बात किया जाए तो SP125 में आपको 124cc सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है एयर कूल टेक्नोलॉजी के साथ, और इसकी जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है वो है 10.72 BHP एट 7500 RPM। मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होती है 10.9 Nm एट 6000 RPM। 5 गियर्स का सपोर्ट आपको इस बाइक में मिलता है, और यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। दूसरे साइड में पल्सर 125 में जो इंजन दिया गया है वो है 124.4cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड इंजन, और इस इंजन से जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है वो है 11.64 BHP एट 8500 RPM। जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो है 10.8 Nm एट 6500 RPM। 5-speed गियरबॉक्स का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बाइक में कोई भी गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिया गया है। माइलेज के बारे में अगर बात किया जाए तो दोनों ही बाइक्स में सिमिलर माइलेज आपको मिलता है, 62-65 KMPL की माइलेज दोनों ही बाइक्स में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे पावर के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक्स के कंपैरिजन में पल्सर 125 की पावर थोड़ा बहुत ज़्यादा है। प्राइस के बारे में बात किया जाए तो होंडा SP125 में आपको दो वेरिएंट मिलता है। जो ड्रम वेरिएंट है उसकी प्राइस है 76,710 रुपीज़ एक शोरूम। जो फ्रंट डिस्क वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है 80,956 रुपीज़ एक शोरूम। दूसरे साइड में अगर पल्सर की प्राइस को देखेंगे तो इसकी प्राइस रखी गई है 74,279 रुपीज़ एक शोरूम स्टैंडर्ड मॉडल की। और जो स्प्लिट मॉडल है, मतलब स्प्लिट यूनिट सीट मॉडल है, उसकी जो प्राइस रखी गई है वो है
83,266 रुपीस एक शोरूम। तो ये दोनों ही बाइक्स अपने अपनी जगह से बिल्कुल ग्रेट बाइक है। तो आपको कौन सी बाइक चाहिए वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो उनमें से आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कौन सा चीज़ सही लगी है अपने लिए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको एक हल्की बाइक चाहिए लेकिन काफ़ी अच्छी पावर फिगर भी मिले उसके साथ, तो आप जा सकते हैं होंडा एसपी 125 के साथ। और दूसरी साइड आपको अगर चाहिए थोड़ा बहुत पावर फिगर ज़्यादा और लुक्स भी मैटर करता है, स्पोर्ट बाइक आपको चलाना है, तो आप ले सकते हैं पल्सर 125। और उस पर आपको एक स्प्लिट यूनिट मॉडल भी मिलता है, उसकी जो लुक्स है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही बाइक्स की प्राइस रेंज भी सिमिलर है, तो आप खुद से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी चाहिए। तो आई होप कि आपको सारे चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कहना है तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।